प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक रहेगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन ए एक्स प्लस बी पावर एन। यानी मैं लिखूँगा डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ द फंक्शन ए एक्स प्लस बी पावर एन। तो ये आज का टॉपिक है, हम देखेंगे डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ ए एक्स प्लस बी पावर एन हमें क्या निकलता है यूजिंग द एब इनिशियो मेथड। तो सबसे पहले एब इनिशियो मेथड में हम क्या करेंगे, हम ये जो फंक्शन है ए एक्स प्लस बी पावर एन, ठीक, इसको हम लिखेंगे ऐसे, लेट वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन। अब हम इंक्रीमेंट्स देंगे, एक्स को डेल्टा ऑफ एक्स, वाई को डेल्टा ऑफ वाई। सो वी विल राइट गिविंग इंक्रीमेंट्स, दैट इज डेल्टा ऑफ एक्स टू एक्स एंड डेल्टा ऑफ वाई टू वाई वी हैव। तो जब हम ये इंक्रीमेंट्स देंगे तो ये हमें क्या बनेगा, वाई प्लस डेल्टा ऑफ वाई विल बी इक्वल टू। अब यहाँ पे हमें एक्स को इंक्रीमेंट देना है, सो वी विल राइट इट एज ए इंटू। अब एक्स को इंक्रीमेंट देना है तो मैं लिखूँगा एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स, प्लस बी है यहाँ पे, सो प्लस बी, एंड वी हैव हियर द पावर, पावर इज हियर पावर एन। नाउ लेट अस टेक दिस इक्वेशन एज इक्वेशन फर्स्ट, और ये जो इक्वेशन है दिस इज द इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड वी हैव। जब हम इक्वेशन फर्स्ट करेंगे सब्ट्रैक्ट तो इक्वेशन सेकंड, तो हमें मिलेगा वाई प्लस डेल्टा ऑफ वाई माइनस, ये इसका लेफ्ट हैंड साइड, माइनस वाई इक्वल टू, ये जो इक्वेशन है इसका राइट हैंड साइड, ए इंटू एक्स प्लस डेल्टा ऑफ एक्स प्लस बी पावर एन। माइनस इसको हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड, विच इज ए एक्स प्लस बी पावर एन, इम्प्लाइज वाई एंड वाई विल कैंसिल, सो इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई इज इक्वल टू। अब यहाँ पे मैं ए से मल्टीप्लाई करूँगा एक्स को भी, डेल्टा ऑफ एक्स को भी, तो ये हमें क्या बनेगा, ए इंटू एक्स इज ए एक्स प्लस ए इंटू डेल्टा ऑफ एक्स इज ए डेल्टा ऑफ एक्स, प्लस यहाँ पे बी है सो प्लस बी, पावर है एन सो दिस इज पावर एन, माइनस यहाँ पे ये है ए एक्स प्लस बी पावर एन। तो इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं लिखूँगा पहले ए एक्स, फिर ये जो बी है ये मैं यहाँ पे लिखूँगा प्लस बी, प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स पावर एन, माइनस यहाँ पे है ए एक्स प्लस बी पावर एन, विच इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई का हमें वैल्यू आएगा, यहाँ पे हमें है ए एक्स प्लस बी, ये जो ए एक्स प्लस बी है ये मैं बाहर निकालूंगा, कॉमन निकालूंगा, तो ये बनेगा ए एक्स प्लस बी आया बाहर। तो अंदर हमें क्या बचता है, जब ए एक्स प्लस बी ये सारी टर्म बाहर आई तो इस टर्म के बदले यहाँ पे बचेगा वन, प्लस यहाँ पे ए डेल्टा ऑफ एक्स में ए एक्स प्लस बी है ही नहीं, बट स्टिल वी आर टेकिंग इट आउटसाइड द ब्रैकेट, तो यहाँ पे बनेगा ये ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, सो दैट कि अगर हम ए एक्स प्लस बी से वापस इसको मल्टीप्लाई करेंगे वी शुड गेट दिस वेरी टर्म। सो ए एक्स प्लस बी इंटू वन विल बी ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी इंटू ए डेल्टा ऑफ एक्स बाई ए एक्स प्लस बी में ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, सो अगेन वी आर लेफ्ट विद ए डेल्टा ऑफ एक्स। ठीक, अब यहाँ पे पावर एन है इस टर्म को, ठीक, इस टर्म में ये हमने बाहर निकाला, अंदर बचा वन प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स बाई एक्स प्लस बी, सो ये पावर जो है ये पावर ऐसे ही रहेगा हमें पावर एन, माइनस यहाँ पे आएगा हमें
ax plus b पावर n, विच implies डेल्टा ऑफ y का जो हमें वैल्यू आएगा फिर ये हमें बनेगा, ये n ए एक्स प्लस बी को भी पावर है, ये n वन प्लस ए डेल्टा ऑफ x बाई ए एक्स प्लस बी को भी पावर है, तो ये बनेगा हमें ए एक्स प्लस बी पावर n इंटू वन प्लस ए डेल्टा ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होल पावर n। सो ये हमने यहाँ तक फिलहाल देखा कि कैसे हमें ये डेल्टा ऑफ y का वैल्यू हमें इसके बराबर आए। नाउ अगेन दिस विल इम्प्लाई डेल्टा ऑफ y इक्वल टू, अब यहाँ पे हमें है ए एक्स प्लस बी पावर n इस टर्म में, ठीक, और इस टर्म में ए एक्स प्लस बी पावर n ही है, ठीक, तो ये हम बाहर निकालेंगे इन दो टर्म्स में से, ये जो टर्म है और ये टर्म है इसमें से हम ए एक्स प्लस बी पावर n कॉमन निकालेंगे। तो जब कॉमन निकालेंगे ए एक्स प्लस बी पावर n तो अंदर हम देखेंगे क्या बचता है, अंदर हमें बचेगा इस टर्म में से ए एक्स प्लस बी हमने बाहर निकाले, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमें वन प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी पावर एन, ये हमें अंदर बचेगा, ठीक, और इस टर्म में से हमने ये सारी टर्म बाहर निकाली है, ए एक्स प्लस बी पावर एन जो है ये हमने सारी टर्म बाहर निकाली है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें बचेगा माइनस वन। तो इसके बाद नेक्स्ट इसके बाद हमें ये आएगा, अब ये हमें डेल्टा ऑफ वाई है ए एक्स प्लस बी पावर एन इंटू वन प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन, अब ये जो टर्म है इसमें इसको हम एक्सपेंड करेंगे यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, सो वी विल राइट एक्सपेंडिंग वन प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी पावर एन यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम, बाई यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम वन प्लस एक्स पावर एन इज इक्वल वन प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई 2 फैक्टोरियल x स्क्वायर प्लस n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 बाई 3 फैक्टोरियल x क्यूब प्लस सो ऑन वी हैव। तो जब ये थ्योरम का इस्तेमाल हम करेंगे इस टर्म में तो हमें डेल्टा ऑफ y का वैल्यू क्या निकलेगा, सो वी हैव डेल्टा ऑफ y इक्वल टू, तो डेल्टा ऑफ y का वैल्यू यहाँ पे हमें क्या निकलेगा, यहाँ पे है हमें ए एक्स प्लस बी पावर एन, ये ऐसे ही रहेगा ए एक्स प्लस बी पावर एन, अब अंदर हम लिखेंगे इसको अब ऐसे, ये है वन प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स बाई ए एक्स प्लस बी पावर एन, बाइनोमियल थ्योरम है वन प्लस एक्स पावर एन, मीन्स यहाँ पे ये जो ए डेल्टा ऑफ एक्स बाई ए एक्स प्लस बी है वी हैव टू ट्रीट दिस एज एक्स एंड यूज दिस वेरी थ्योरम, सो वी विल गेट वन प्लस ए डेल्टा ऑफ एक्स बाई ए एक्स प्लस बी पावर एन इक्वल टू, तो पहली टर्म है यहाँ पे वन प्लस एन एक्स एन इंटू एक्स, अब एक्स क्या है, एक्स है ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, ठीक, तो वन प्लस एन एक्स प्लस इसके बाद एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, अब एक्स है फिर से ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी होल स्क्वायर प्लस डैश 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 सो ऑन इसके बाद वाली टर्म, तो लास्ट में हमें यहाँ पे माइनस वन है तो वो हम लिखेंगे यहाँ पे, सो इट इज माइनस वन। सो अब इसके बाद ये क्या बनेगा, इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई का हमें वैल्यू आएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी पावर एन इंटू, अब अंदर हमें क्या बचता है, यहाँ पे ये वन है दिस इज द माइनस वन, तो माइनस वन प्लस वन दे विल कैंसल विथ ईच अदर, सो वी आर लेफ्ट विथ एन इंटू ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस दूसरी टर्म
n into n minus 1 divided by 2 factorial into a delta of x divided by ax plus b power 2 plus so on. ठीक, तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस टर्म में हमें a डेल्टा ऑफ x डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी है, इस टर्म में भी है हमें a डेल्टा ऑफ x बाई ए एक्स प्लस बी, इसके बाद वाली टर्म जो है उसमें भी होगा a डेल्टा ऑफ x बाई ए एक्स प्लस बी. इन जनरल हम बोलेंगे जो सारी की सारी टर्म जितनी भी इसमें टर्म्स आएगी तो उनमें a डेल्टा ऑफ x बाई ए एक्स प्लस बी जो है ये हमें ज़रूर आता है. ठीक, तो लिहाजा हम इसका फर्स्ट पावर जो है वो हम कॉमन निकाल सकते हैं. सो दिस विल इम्प्लाई डेल्टा ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर n इंट. अब यहाँ से हम a डेल्टा ऑफ x डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी जब कॉमन निकालेंगे तो ये आएगा यहाँ पे a डेल्टा ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी, ये हमने कॉमन निकाला. तो अंदर हमें क्या बचता है, यहाँ पे हमें बचेगा n ओनली. ठीक, प्लस यहाँ पे बचेगा n इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू यहाँ पे स्क्वायर था एक बाहर आया, सो ये बचेगा a डेल्टा ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी. इसी तरह से जो बाद वाली टर्म है उसमें आएगा हमें n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू बाई थ्री फैक्टोरियल a डेल्टा ऑफ x बाई ए एक्स प्लस बी, उसमें क्योंकि क्यूब क्यूब इस टर्म में होगा तो नेक्स्ट टर्म में बचेगा स्क्वायर. इसी तरह से बाकी टर्म्स में हमें ऐसे ही रहेगा एज ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी. सो वी आर नॉट गोइंग टू राइट दोज वेरी टर्म्स, सो वी विल राइट सिंपली प्लस डैश 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 एंड सो ऑन. ठीक, तो अब इसके बाद ये हमें यहाँ पे बनेगा इम्प्लाइज डेल्टा ऑफ वाई इज इक्वल टू, अब यहाँ पे है ये ए एक्स प्लस बी पावर एन, नीचे है ए एक्स प्लस बी पावर वन. सो here it is in division, bases are same, powers are added, so this will become a x plus b power n minus 1 n minus 1. okay, aur yahan pe a hai, so we will write it as into a delta of x. okay, yahan se bachega hame n plus n into n minus 1 by 2 factorial into a delta of x a delta of x divided by a x plus b plus dash is dash. ठीक, तो अब next is इसके बाद हमें इसमें क्या आएगा, okay, so we have अब इसके बाद ये बनेगा हमें यहाँ पे हमें आया ये डेल्टा ऑफ y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन ए डेल्टा ऑफ x इंटू एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल ए डेल्टा ऑफ x बाई ए एक्स प्लस बी. ठीक, अब इसको हम डिवाइड करेंगे ऑन बोथ साइड्स बाई डेल्टा ऑफ x, सो वी विल राइट हेयर डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाई डेल्टा ऑफ x वी हैव, तो ये हमें बनेगा डेल्टा ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ x इक्वल टू, तो फिर से ये हमें सारा लिखना है यहाँ पे. ठीक, तो ये हमें बनेगा ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस वन इंटू ए डेल्टा ऑफ x इंटू एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू ए डेल्टा ऑफ x डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस डैश डैश, तो इसको भी डिवाइड हो जाएगा बाई डेल्टा ऑफ x, इसको भी हमें डिवाइड करना है बाई डेल्टा ऑफ x. तो जब हमने इसको डिवाइड किया बाई डेल्टा ऑफ x, यहाँ पे हमें डेल्टा ऑफ x है, यहाँ पे भी डेल्टा ऑफ x है, सो डेल्टा ऑफ x एंड डेल्टा ऑफ x बोथ विल कैंसिल. सो इम्प्लाइज वी हैव डेल्टा ऑफ y डिवाइडेड बाई डेल्टा ऑफ x इक्वल टू, तो ये अब किसके बराबर हमें आएगा, ये आएगा हमें ए एक्स प्लस बी पावर एन माइनस वन इंट ए, अंदर हमें है एन प्लस एन इंटू एन माइनस वन बाई टू फैक्टोरियल इंटू ए डेल्टा ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस बी प्लस सो. तो अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसमें
Now we will give the limit. Now we will give limit on both sides. तो जब हम limit देंगे तो हम लिखेंगे giving limit as delta of x tends to 0. तो दोनों साइड से हम अब limit देंगे. क्या limit हम देंगे? Delta of x tending to 0. We have limit of delta of x tending to 0 delta of y divided by delta of x equal to limit of delta of x tending to 0 ax plus b power n minus 1. अब ये जो यहाँ पे a है, ये मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, a into ax plus b power n minus 1. तो अंदर हमें है n plus n into n minus 1 divided by 2 factorial into a delta of x divided by ax plus b plus dash dash dash. तो बाकी इसमें टर्म्स हमें आएंगे. ठीक, अब यहाँ पे हम देखेंगे ये जो लिमिट ऑफ डेल्टा ऑफ x टेंडिंग टू 0 डेल्टा ऑफ y बाय डेल्टा ऑफ x जो है होता है, दिस इज एक्चुअली द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन. यानी जब हमें कोई फंक्शन होती है उसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालने में हम क्या निकालते हैं? हम निकालते हैं रेशियो ऑफ दीज इंक्रीमेंट्स एज डेल्टा ऑफ x टेंडिंग टू 0. सो दिस विल बी रिप्रेजेंटेड बाय dy बाय dx. सो दिस इंप्लाइज dy divided by dx means differential coefficient of the function y with respect to x jo hai wo hame aayega equal to ab is limit ko hame solve karna hai. So directly hum yahan pe limit ko solve karenge. So jahan pe bhi delta of x hoga wahan pe value 0 denge. First term mein delta of x nahi hai, second term mein delta of x hai 0. So delta of x ka value jab yahan pe 0 denge, ye sari ki sari term banegi equal to 0. Iske baad wali jo term hai usme bhi delta of x hai, theek. तो उसको जब वैल्यू देंगे 0, वो टर्म ही बनेगी 0. बाकी टर्म्स जो है सब, हर एक टर्म है डेल्टा ऑफ एक्स है. सो ऑल ऑफ दिस टर्म्स विल वैनिश, देयर वैल्यू विल बी इक्वल टू 0. सो इस यहाँ इस पोर्शन में क्या हमें बचेगा? ओनली द वैल्यू n. ठीक, और साइड में यहाँ पे ये है a इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1. सो वी विल राइट हियर दैट दिस विल बी इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1 इंट, यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर हमें बचता है दैट इज ओनली द n. सो दिस इंप्लाइज d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू. तो अब इसको हम लिखेंगे ऐसे, n में पहले ही लिखूंगा, दिस इज n a इंटू ए एक्स प्लस बी पावर n माइनस 1 और d बाई dx of y. Now what is y? Y is our function. Okay, that is ax plus b power n. So we will say that this is actually d by dx of ax plus b power n. In a differential coefficient of ax plus b power n with respect to x is then equal to n a into ax plus b power n minus 1. So which is the required result. ठीक, तो ये हमें required result है. तो हमने देखा by using ab initio method कि जो differential coefficient होता है एक function का, function ax plus b power n, इसका differential coefficient हमें होता है n a into ax plus b power n minus 1. ठीक, तो ये हमने निकाला इसका differential coefficient using the दिस इसमें हमने ab initio मेथड यूज़ किया और इसमें बायनोमियल थ्योरम का भी इस्तेमाल हो गया. सो विद दिस आई विल कंक्लूड द लेक्चर ऑन डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ